सो वार्ट नंबर वाले हैं सोफ यूर न्यू ऑन चैनल जितने भी इम्पोर्टेंट एमसी क्यू है या टॉपिक वाइज जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बैंकिंग अवेरनेस के लिए उसके साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबल लेट्स बिगे विदिक दैट इज एम सी क्यू टू फाइव डबल जीरो क्वेश्चन थ्री जीरो वन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन सम बैंकिंग प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन डैस यहाँ पे कह रहा है कंस्ट्रक्शन रोड एंड ब्रिज क्या कहलाता है जब इस तरीके का कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोन देते हैं या ब्रिजेस डेवलपमेंट के लिए हम लोन देते हैं तो वो जिस आधार पे हम लोन देते हैं डेट्स कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लोन द ऑप्शन राइट इज सी क्वेश्चन नंबर थ्री जीरो टू फिजिकल डिफिसिट देखिए फिजिकल डिफिसिट जो राजकोषीय आप घाटा होता है जैसे आप जानते हैं मॉनिटरी पॉलिसी होती है वैसे ही फिजिकल पॉलिसी भी होती है मॉनेटरी पॉलिसी जैसे आरबीआई रेगुलेट करती है फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है ना फिजिकल पॉलिसी का थोड़ा सा जो नाता है वो आपके फिजिकल डिफिसिट के साथ है इस कारण से फिजिकल पॉलिसी uh, को मैं आपसे खास रिलेट कर देता हूँ फिजिकल पॉलिसी रिट रिमाइंड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो दिस पॉलिसी इज बेसिकली यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस ओवरऑल आप कह सकते हैं लेवल ऑफ इकोनॉमी तो वो हमारी फिजिकल पॉलिसी uh, yeah, है इसी फिजिकल पॉलिसी के आधार पर जब हमारा एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है रेवेन्यू से जो उसकी रिसिप्ट होती है उससे अगर ज़्यादा हो गया आप ये कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट अगर ये ज़्यादा है दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिफिसिट और इसी घाटे को हम अदर कमर्शियल बोरिंग अदर बोरिंग के साथ फुलफ़िल करते हैं कि हम किसी अदर इंटरनेशनल इन, ऑर्गेनाइजेशन से न, आपकी वर्ल्ड बैंक है इससे हम लोन लेते हैं तो इसका जो मिसमैच है वो हम बोरोइंग के साथ फुलफिल करते हैं वेन एवर एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड दैन द रिसिप्ट जो इनकम है उसकी दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेफे तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में पहला कहता है टोटल इनकम लेस गवर्नमेंट बोडोइंग ओके सेकंड कहता है द पेमेंट लेस रिसिप्ट ओके पेमेंट की बात नहीं होनी चाहिए एक्सपेंडिचर की बात होनी थर्ड कहता है द पेमेंट लेस कैपिटल रिसिप्ट पेमेंट नहीं होना चाहिए पेमेंट नहीं होना चाहिए इनकम नहीं होना चाहिए एक्सपेंडिचर होना चाहिए जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो आपका क्या हो जाए तो टोटल रिसिप्ट से उसका ज़्यादा हो जाए दैट इज कॉल्ड फिजिकल तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर फिजिकल डिफिजिट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री जीरो थ्री द वन रुपीज़ नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अदर देन वन रुपीज़ नोट जितने भी नोट हैं आपके उस पर साइन जिनका होता है वो है गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ऑन डेट दिस ट्वेंटी फिफ्थ गवर्नर ऑफ आर बी आई शक्तिकांत दास अदर देन वन रुपीज नोट आर बी आई गवर्नर साइन करते हैं बट दिस वन रुपीज़ नोट डिली साइन बाई फाइनेंस सेक्रेटरी जो वित्त सचिव होते हैं आई एस रैंक के अधिकारी होते हैं है ना तो वो आपके साइन करते हैं आज के डेट में तुहिन कांता साहब आपके वित्त सचिव हैं तो वही वन रुपीज़ नोट पे साइन करेंगे वन रुपीज़ नोट एंड क्वाइन मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से प्रिंटिंग होती है और वन रुपीज़ नोट पे साइन जो है वो आपके फाइनान्स सेक्रेटरी होता है राइट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो इस 303 का अगर आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 304। जीरो फोर आर बी आई वॉज नेशनलाइज इन दर देखिये आर का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जो यंग एंड कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने आर को आर के एक्ट 1934 के हवाले से फाइव करोड़ की लागत से कोलकाता में इस्टेब्लिश किया था वो डेट था फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1935 देन आफ्टर आरबीआई बी आई हेड क्वार्टर शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई इन 1937 एंड ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी 1949 दिस आरबीआई बी आई गॉट नेशनलाइज तो यहाँ पे आपसे डेट नहीं पूछा गया ईयर ऑफ नेशनलाइजन पूछा गया यू कैन टिक मार्क ऑन ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ 1949 द डेट वाज फर्स्ट ऑफ जनवरी 1949 द नेशलाइजन ईयर एंड डेट ऑफ आरबीआई राइट आंसर इज ए क्वेश्चन नंबर थ्री जीरो इंटरेस्ट रेट सिग्निफाइज आर बी आई लॉन्ग टर्म स्टांस फॉर मोनिट्री पॉलिसी देखिए आर बी आई की जो मोनिट्री पॉलिसी है उसमें जो क्वान्टिटेटिव टूल्स है है ना जिसमें हम बैंक रेट रेपो रेट सी आर आर एस एल आर डिवर्स रेपो रेट कहते हैं उसमें जो बैंक रेट और रेपो रेट है ये जान ले पहले क्या होता है बैंक रेट एंड रेपो रेट बोथ आर सेम लेकिन अंतर तो होगा तभी तो ये दो अलग अलग रेट बने हैं जिसमें आप कहते हैं कि बैंक रेट एज ऑन रेट सिक्सेंट एंड रेपो रेट इज द रेट एट विच अगर ये आर है ये आई सी बैंक है तो द रेट एट विच आर बी आई बोरो मनी आर बी आई लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक फिर से मैं बताता हूँ अगर ये आर बी आई है ये आई सी आई सी आई बैंक है तो द रेट एट विच आर बी आई देगी आई सी आई सी आई बैंक को पैसा दिस रेट विल बी कॉल्ड बैंक रेट ऑल्सो एंड रेपो रेट ऑल्सो बट अगर आई सी आई सी आई बैंक नाइन्टी डेज के अंदर ये पैसा रिटर्न कर देती हूँ आर बी आई को तो उसे जो रेट पेमेंट करना पड़ेगा वो रेपो रेट का होगा लेकिन बियॉन्ड नाइन्टी डेज के बाद अगर पेमेंट होता है तो जो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा वो बैंक रेट हो जाए हो जाएगा इसका मतलब यह है कि बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज हाउ एवर रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म पर्पज अभी डिफाइन कर देता हूँ बैंक रेट इज द रेट एट विच आर बी आई मनी टू अदर कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस लॉन्म नाइन डेज पीरियडेंटोरेट इजेंट रेपोरेट इज फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड नाइन्टी डेज बिलो पीरियड दिसेट इज एज ऑन डेट इज सिक्स परसेंट तो यहाँ पे आप बैंक रेट को टिक मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी विद राइट आंसर जिसमें क्या है तो लॉन्ग टर्म की बात कही जा रही है, है तो दोनों में लैंडिंग uh, का काम होता है बट लॉन्ग टर्म बैंक रेट को हम डिनोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री जो सिक्स द बैंक हैव टू स्टेट देयर लेंडिंग पॉलिसीज दीज वुड इंक्लूड है ना तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है एक्सपोजर लिमिट्स एंड एलिजिबल बोरोइंग डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड एंड मेचोरिटी ऑफ प्राइसिंग ऑप्शन राइट ऑफ जो भी राइट ऑफ एनपीए अकाउंट एकाउंट रिकॉर्ड और राइट ऑफ होते हैं तो उसमें से कौन जो है वो लैंडिंग पॉलिसीज में हम काउंटेबल करते हैं आंसर इज ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब आप बड़े एग्जामिनेशन आरबीआई ग्रेड भी एस बी आई प्रोवेशनरी ऑफिसर के लिए जाएंगे सी के लिए जाएंगे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट uh, है देखने को मिलेंगे द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर थ्री दैट इज वट डज टी स्टैंड इन आर देखिए आरटीजीएस क्या है तो आरटीजीएस और आरबीआई के दो फंड ट्रांसफर के टूल्स हैं एक को हम कहते हैं आरटीजीएस है और दूसरे को हम कहते हैं एनईएफटी द तो फुल फॉर्म ऑफ आर आरटीजीएस टी जी एस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड नेफ्ट का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आर में टू लैख वॉज इज द मिनिमम लिमिट टू लैख से नो लिमिट तक कितने भी रुपये आप भेज सकते हैं एन में जीरो टू नो लिमिट मतलब मिनिमम uh, की कोई लिमिट नहीं है मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है आप भेज सकते हैं आर रियल टाइम में है नेफ्ट रियल टाइम में नहीं है हाफ एन आवर का वहाँ पर बैच होता है है ना तो ये है आपके एन ई एफ टी एन आर टी जी एस और भी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो हम आगे चल के किसी टॉपिक में करेंगे तो आर टी जी एस में टी का पूछा जाता है टी एस टैंड फॉर राइट आंसर इज रियल टाइम दैट इज टाइम ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बिल्कुल यहाँ डाला वहाँ पे आपको दिखेगा सामने वाले बट सेम बैंक बेनिफिशरी नहीं होनी चाहिए अदर बैंक के लिए ये यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए कोई भी जो गुड्स आप परचेज करते हैं कोई भी सर्विसेज आप परचेज करते हैं उसमें कोई अगर खामी पाई जाती है तो उसकी जो शिकायत है उसका जो कंप्लेन है आप कंज्यूमर कोर्ट में तभी तक कर सकते हैं जिस दिन से आपने उस गुड्स या सर्विसेज को परचेज किया है या डिलीवरी हुई है या फिर जो भी कॉज ऑफ एक्शन हुआ है से टू ईयर्स के विदिन है ना तो अगर आज हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो आज से टू ईयर्स तक हम कंज्यूमर जो कोर्ट है उसमें जाने के लिए एलिजिबल हैं तो राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर एक बी कहता है टू ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेकंड कहता है थ्री ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफ थ्री ईयर्स तो नहीं होने लगा वन मंथ भी नहीं होगा फर्स्ट और टू में गूर्� हम देखते हैं क्या आंतर है पहला कहता है टू ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन सेकेंड कहता है टू ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो यहाँ पे देखिए दोनों जो ऑप्शन है इसमें बहुत सिमिलरिटी है लेकिन आपसे जब ऐसे ऑप्शन आ जाएं तो आप ऑप्शन नंबर ए को ही टिक लगाएंगे तो यहाँ कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है जिस दिन आपके पास डिलीवर हो गया ठीक है तो सेकेंड में देखिए डिलीवरी की बात नहीं की परचेज़ की बात की गई है है ना तो ऐसा नहीं कि सर्विस आप परचेज़ कर सकते हैं जिस दिन डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया दैट इज कॉल्ड कॉज ऑफ़ एक्शन तो यहां पर दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर थ्री जीरो नाइन व्हाट डू यू मीन बाय सी इन द टर्म ऑफ एमसी एम एफएमसीजी देखिए एफएमसीजी का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाता है एफ क्या है तो फास्ट है एम क्या है मूविंग है सी क्या है कंज्यूमर है गुड्स जी क्या है गुड्स है तो एम सी सी एम सी सी एफ एम सी जी प्रोडक्ट वो होते हैं जो कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोडक्ट है जिसका ड्यूरेबिलिटी बहुत कम हो है ना uh, जैसे आप टूथपेस्ट परचेज करते हैं आप कोई भी uh, डेयरी का प्रोडक्ट uh, परचेज करते हैं आप मिल्क परचेज करते हैं तो जो भी आप देखते हैं डी मार्ट में आइटम रखा हुआ है जो आप डेली यूज में परचेज करते हैं कोलगेट हो गया है ना टूथब्रश हो गया तो ये सब क्या है ऑल प्रोडक्ट्स आर कम्स अंडर है ना एफ एम सी जी प्रोडक्ट तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था सी का तो सी स्टैंड फॉर कंज्यूमर है ना फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स दैट इज कॉल्ड एफ एम सी जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन थ्री वन जीरो बैंक अकाउंट दैट इज नो डिडक्शन ऑफ टी डी देखिये टी डी एस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स

बैंक किससे सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है तो ये आपसे पूछा जाता है तो आप जाने कि बैंक को सबसे ज़्यादा तो इनकम होती है वो कहाँ से बैंक के पास इनकम के बहुत सारे सोर्स हैं चाहे वो लोन है चाहे वो कमीशन है, है है ना जैसे आपने देखा होगा कि थर्ड चाहे लोन है चाहे कमीशन डी आप इशू करवाते हैं उस पर कमीशन है आर टी जी से एन करते हैं उस पर कमीशन है या फिर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है जो क्रॉस सेलिंग बैंक का इंश्योरेंस आप करते हैं कि लाइफ की प्रोडक्ट है जनरल की प्रोडक्ट है क्रेडिट कार्ड है है ना जनरल इंश्योरेंस की प्रोडक्ट है या फिर लॉकर आप लेते हैं तो उसका रेंट आप पे करते हैं है ना तो कोई अदर चार्जेस है वो आप पे करते हैं तो ये दी आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक लेकिन इन सबसे बड़ा सोर्स अगर पूछा जाए तो लोन है है क्योंकि बड़े वॉल्यूम में दिया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर होता है होम लोन कार लोन एम लोन जितने भी लोन हैं तो सबसे मोस्ट जो आप कह सकते हैं बेनिफिटेड होता है बैंक के लिए इनकम uh, का सोर्स दैट इज लोन है अदर देन लोन दी आर द अदर इनकम टूल्स ऑफ बैंक नेक्स्ट देखते हैं थ्री वन टू इन टर्म्स ऑफ ए एम एफ आई देखिए ए एम एफ आई क्या है दैट इज़ कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया है ना ये आपके बेसिकली क्या करता है तो ये रेगुलेट नहीं करता है म्यूचुअल फंड मार्केट को म्यूचुअल फंड मार्केट ऑलवेज एंड ऑलवेज रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटेड ऑफ कैपिटल मार्केट दट इज कॉल्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हाउ एवर ए एम एफ आई इज़ बेसिकली जो उसका एम है इज़ टू एंड डेवलप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ना प्रमोट करना डेवलप करना है ना या फिर सर्टिफिकेशन कोई एग्जाम लेना ये सब काम ए का है तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि म्यूचुअल फंड हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड इंडिया पहला ही ऑप्शन आपको ए एम एफ आई रखा रहता है वहाँ पे थोड़ा थम जाए ए एम एफ आई विल नॉट बी द राइट आंसर द राइट आंसर एज ए रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेवी यहाँ पे ए एम एफ आई का फुल फॉर्म मैंने बता दिया दट एसोसिएशन ऑफ़ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि एम क्या है तो एम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल है तो दट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड जो आप देखते हैं अपने एडवर्टीजमेंट में म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट एस आई पी एस डब्लू पी आप देखते हैं तो वो है आपका म्यूचुअल फंड नेक्स्ट थ्री वन थ्री विच आर द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ इज नॉट इन्वॉल्व विथ एफ डी आई डीलिंग एफ डी आई कौन डील नहीं करता है तो पहला देखते हैं आर बी आई सेकेंड इज एफ आई पी बी जो फॉरन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है फोर्थ इज फॉरन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एफ आई पी बी है ना ये सब हैं बट जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी है ये आपकी कैपिटल मार्केट में डील करती है एफ में डील नहीं करती है सो राइट आंसर कौन डील नहीं करता है एफ में तो से बी नॉट डील विथ एफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वन फोर क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन बैंक का एश्योरेंस देखिए बैंक का इंश्योरेंस बैंक का इश्योरेंस है बैंक में बैंक में इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करना दैट इज कॉल्ड बैंक का एस्योरेंस बैंक और इंश्योरेंस को मिला के ये वर्ड बना है बैंक का इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बैंक के अंदर जाएंगे तो ये जो प्रोडक्ट है वो आपको सेल करना पड़ेगा क्या कहता है बैंक इंश्योरेंस क्या कहता है इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड बाय द बैंक इन देयर नेम यस सेलिंग बाय ए बैंक द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ इट्स एनिमेटिक इंश्योरेंस कंपनी यस सेलिंग बाय ए बैंक द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी यस आंसर इज ऑल ऑफ दीज अबव दैट इज कॉल्ड बैंक इंश्योरेंस थ्री वन फाइव विच अबाउन द फॉलोइंग इज नॉट टर्म डिपॉजिट इशूड बाय कमर्शियल बैंक टर्म डिपॉजिट जो भी हमारा टाइम डिपॉजिट है वो इशू नहीं होता है तो मुझे लगता है यहाँ पर टाइम आना चाहिए न कि टर्म आना चाहिए टाइम डिपॉजिट इशूड बाय बैंक तो एफ डी इज़ टाइम डिपॉजिट आर डी इज टाइम डिपॉजिट री इन्वेस्टमेंट इज टाइम डिपॉजिट हाउ एवर करंट अकाउंट इज नॉट टाइम डिपॉजिट इट्स डिमांड डिपॉजिट तो यहाँ पर आप ए को टिक मार्क कर सकते हैं यहाँ पर टर्म की जगह हम टाइम कंसिडर करेंगे राइट आंसर विल बी ए दैट इज करेंट अकाउंट जो कासा अकाउंट है इज डिमांड डिपॉजिट अकाउंट नेक्स्ट आई एफ एस सी मींस देखिए आई एफ एस सी क्या है तो इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड है ये जो आई एफ एस सी कोड है एलेवन अल्फा नोमेडिक का आपका कोड होता है जिसमें शुरुआत के जो फोर होते हैं अल्फा होते हैं वो बैंक के नेम नेम को डिपेंड करते हैं बैंक को डिपेंड करते हैं फिफ्थ इज ऑलवेज जीरो फॉलोड बाय सिक्स Uh, uh numeric uh, always represent uh, branch of the bank this is what the combination of ifsc जो हमें बेसिकली एन ई एफ टी आर टी जी एस या वैंक टू वन अदर बैंक पैसे भेजने में जरूरत पड़ता है दैट इज कॉल्ड आई एफ एस सी तो देखें जो अभी हमने कम से बताएं उसके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कह रहा है आई एफ एस सी क्या है तो इंडियन फिनांसल सिस्टम कोड है येस yes, बिल्कुल सही इंडिया के अंदर हम यूज करते हैं इसका इंडियन है फिनेंसल सिस्टम हम यूज करते हैं फिनेंसियल है चूँकि सिस्टम बेस हम यूज़ करते हैं मोबाइल हो लैपटॉप हो तो सिस्टम है एंड कोड है ओके इट हैज़ ओकेवन अल्फानोमेडिक कोड येस कम्बिनेशन इज अलेवन अल्फानोमेडिक कोड फर्स्ट फोर डिपर्जेंट बैंक नेम करेक्ट दिस कोर्ड इज यूड फॉर डेमिट एन ई एफ टी एनआर टी जस्ट ओके सो जितनी भी बात मैंने बताई है सब इंक्लूडेड है आंसर इज ऑल ऑफ द्वेशन नंबर थ्री वन सेवन आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बैंक बैंक कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट बैंक तो डिमांड और टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करता ही है तो यहां पर बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट तो ये तो करेक्ट नहीं है सेकेंड कहता है बैंक कैन एक्सेप्ट ओनली टाइम डिपॉजिट नहीं टाइम डिपॉजिट भी और डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट सी बैंक कैन एक्सेप्ट बोथ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक दिस इज करेक्ट फोर्थ देखते हैं बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट भी है पब्लिक भी है है ना कंपनी भी है एंटिटी भी है नॉन पर्सनल भी सब है तो ऑप्शन सी बैंक कैन एक्सेप्ट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री वन एट बैंकिंग एम्बोर्समेंट देखिए बैंकिंग एम्बोर्समेंट बैंकिंग लोकपाल वो लोकपाल है जिसका एस्टैब्लिशमेंट आरबीआई ने वन नाइन नाइन फाइव में किया और टू जीरो सिक्स से इसने काम करना शुरू कर दिया बैंकिंग एम्बोर्समेंट में एक महीने की बैंक को नोटिस देके के थर्टी डेज नोटिस देके आप बैंकिंग एम्बोर्समेंट में केस रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जिसमें मैक्सिमम जो कंपनसेशन आपको बैंकिंग एम्बर्समेंट दे सकती है द अमाउंट इंक्रीज फ्रॉम टेन लाख इज नाउ बिकम ट्वेंटी लाख तो बीस लाख रुपये तक का बैंकिंग एम्बोर्समेंट क्लेम दे सकती है इस बैंकिंग एम्बोर्समेंट में कौन सी बैंक एलिजिबल uh, है तो आप जाने बैंकिंग एम्बोर्समेंट के अंदर वो सारी बैंक एलिजिबल हैं जो आपने अभी तक बैंकों के नाम सुने हैं चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो चाहे वो फॉरेन बैंक हो चाहे वो आरआरबी हो चाहे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो चाहे वो स्मॉल बैंक हो चाहे वो पेमेंट बैंक हो या फिर एनबीएफसी वन आपकी बड़ी एनबीएफसी हो तो ये सारे के सारे आपके बैंकिंग एम्बर्समेंट के अंदर क्या हैं तो एलिजिबल हैं तो देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है ऑल सेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यस ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक इज़ पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेट फॉरन ऑल है ना रीजनल रूरल बैंक यस शेड्यूल कमर्शियल बैंक यस डी इज ए एन सी नहीं ऑल ऑफ दीज दिज यस जितनी भी मैंने बताए हैं ये सब एलिजिबल है तो यहाँ पे चॉइस के आधार पे ऑल ऑफ दिज एब अदरवाइज जितने भी हमने डिनोट किए हैं वो सारे के सारे बैंक बैंकिंग एम्बोर्समेंट के लिए एलिजिबल हैं Question second last 319 uh, When the conver conversion rate of our country goes high in compared to other country, it is known as that is called rupee depreciation. This is very, very, very important. And a hamara currency value downgrade is called currency depreciation. Right answer is D. Last question of today's important uh, 16th MCQ set. एलॉन्ज देखिए जो भी निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसफरेबल है जैसे चेक आपने देखा है तो चेक का बैक आपने अगर देखा होगा तो ब्लैंक रहता है फॉर इंडोर्समेंट इंडोर्समेंट का मतलब है ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी है ना ए ने लिखा प्ली, प्ली, प्लीज पे टू राम तो यहाँ पे फिर राम ने लिखा प्लीज पे टू श्याम तो ये सब क्या है ट्रांसफर हो रहा है इंडोर्स हो रहा है ए यह यहाँ पे इंडोर्स कर रहा है कि आर को दे दें यहाँ पे आर इंडोर्स कर रहा है कि सी को दे दें तो इंडोर्समेंट करते करते अगर चेक के पीछे का पेज खत्म हो गया और फिर भी उसका ट्रांसफर चल रहा है तो हम उसके साथ एक एक्स्ट्रा सीट अटैच करते हैं फॉर इंडोर्समेंट पर्पज ओनली है ना ट्रांसफर ऑफ वन पार्टी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी दिस इज कॉल्ड इंडोर्समेंट है ना तो जब भी हम एक पेज एक ब्लैंक सीट अटैच करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंडोर्समेंट दिस वन पेज कॉल्ड अलॉन्च दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना जो भी निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसमें जब एक्स्ट्रा पेज अटैच किया जाता है फॉर इंडोर्समेंट पर्पर दैट इज कॉल अलाउंस देखते हैं ऑप्शन ए पीस ऑफ पेपर फॉर मेकिंग इंडोर्समेंट ओके सेकेंड कहता है ए पीस ऑफ पेपर अटैच टू ए निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग अवेलेबल मोर स्पेस फॉर फर्दर इंडोर्समेंट ओके सी कहता है ए एन ए एन बी और डी कहता है डुप्लीकेट डी डी इशूड टू ए कस्टमर ई कहता है बिल पेएबल आफ्टर साइट देखिए यहाँ पे बिल पेबल आफ्टर साइट तो गलत है डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट की बात भी गलत है यहाँ पे ए और बी में हम देखते हैं ए पीस ऑफ पेपर मेकिंग इंडोर्समेंट अरे जब निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट लगा ही नहीं एक सीट पे हम साइन कर रहे हैं तो कुछ का मतलब है क्या कोई मतलब नहीं है जब तक निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ वो अटैच ना हो चेक के साथ जब तक वो अटैच नहीं होगा तब तक उस उसको हम अलाच नहीं कहेंगे दिस तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का वर्ड होना इंपॉर्टेंट है ए पीस ऑफ पेपर अटैच टू ए निगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग अवेलेबल मोर स्पेस फॉर फर्दर इंडोर्समेंट दिस इज वॉट द एलॉन्च इज तो यहाँ पे इसके आधार पे हमारा जो सही आंसर है वो बी है ओनली ओनली बी तो इस वीडियो में इस पार्ट में हम इतनी बात करेंगे फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज बी ट्यून्ड इंपॉर्टेंट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो